गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर हिस्ट्री बुक ऑन पेज नंबर 55. लेट अस डिस्कस द की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यू वर्ड्स. ओके, सो दीज आर द की वर्ड्स. वी शुड लर्न द मीनिंग ऑफ दीज सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट की वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैंशन टूडेज डेट हेयर. ओके, टूडेज डेट यू हैव टू राइट हेयर. So first keyword is enlightenment. Enlightenment. The meaning is the awakening to the ultimate truth about what causes suffering. हाँ जी बेटा, enlightenment means it is a state of awareness. State of awareness when human mind, human beings, they came to know about the truth and the causes of suffering. Okay, we all are human beings, we all are living in this world and we are suffering. Okay, each and every human being is suffering from different reasons, na? But if they find the state of awareness, jab unko pata chal jaye ki ye truth kya hai, what is the reality, hai na, so usko unko tab pata chal jaye ki unke dukh ka jo reason hai, unke sorrow ka jo, unki sufferings ka reason kya hai, है ना, तो वो क्या है, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट हिंदी इसका मीनिंग है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, है ना, कि जब उनको अपने आप के बारे में पता चल जाना कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वाई वी केम एज ह्यूमन बींग्स, ओनली ड्यू टू आर कर्मस. ओके, ओनली ड्यू टू रिटर्न आर कर्मस. ओके, सो इट इज़ द ट्रुथ एंड वट आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग. So about the truth and the causes of suffering, when human beings came to know the meaning of this life, goal of this life, okay, purpose of this life, then they will achieve the state of awareness. That state of awareness is known as enlightenment. Okay, next, moksha. Moksha, iska moksha is a Sanskrit word. ओके, सो इसका हिंदी में अनुवाद है कि मुक्ति होना, है ना. सो अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच देयर आर नो डिजायर्स हैंस नो सफरिंग्स. अब इसको थोड़ा और डीप चलते हैं, डीपली देखो इसको, कि मोक्षा इज़ अ स्टेट व्हेन इट इज़ द फ्रीडम ऑफ द सोल, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम द रिसाइकलिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ. ओके, अब इतना बताए कि अब देखो, जैसे ह्यूमन बींग्स बर्थ लेते हैं ना, फिर डेथ हो जाती है, फिर बर्थ लेते हैं, फिर किसी और जन्म में जाते हैं. सो इस जो है कि ये जो साइकिल है, बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, इससे फ्रीडम हो जानी, इससे मुक्ति हो जाना, है ना, उसी को कहते हैं मोक्ष. इट मीन्स मर्जर ऑफ द ह्यूमन सोल विद द लॉर्ड. ओके, वी कैन से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द टोटल मर्जर, फाइनल मर्जर ऑफ ह्यूमन सोल विद द गॉड, विद द लॉर्ड अलमाइटी, है ना. सो इसमें क्या है कि देखो, ह्यूमन सोल्स आर द पार्ट ऑफ द गॉड, वी कैन से, है ना, कि टेक अ एग्जाम्पल ऑफ सन. व्हेन सन राइज इन द मॉर्निंग, सो इट इज़ गिविंग इट्स रेज, है ना, सो रेज आर द पार्ट ऑफ द सन. In the morning, sunlight came to us in the form of rays. Okay, we can feel the sunlight through rays, in the form of rays. And in the evening, जब वो सूरज छिपता है, तो all the rays move back to the sun. सारी वो जो उसकी किरणें आती हैं, सन की जो सूरज की किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, वो वही वापस उसी में समा जाती हैं. So this is the best example of moksha, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन सोल है, जो आत्मा है, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, ह्यूमन सोल, है ना, वो क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ गॉड ओनली, है ना. तो वो क्या है कि दे केम एज ह्यूमन बींग्स, दे टेक बर्थ, है ना, बट आफ्टर डेथ दैट सोल मर्ज इन द लॉर्ड अलमाइटी. ठीक है, सो व्हेन दिस स्टेट कम्स, है ना, व्हेन द ह्यूमन सोल got freedom from the recycling of birth and death, that state is known as moksha. इसको ही मुक्ति कहते हैं. Its English synonyms are emancipation, liberation and release. Okay, next is nirvana. Nirvana means freedom from the continuous cycle of birth and death, same. Okay,
वी कैन से निर्वाणा और मोक्ष दे आर दी सिनोनिम्स वी कैन से दे बोथ हैव द सेम मीनिंग्स ओके देन तीर्थांकरा रिलीजियस टीचर ऑफ जैनिज्म इन जैनिज्म सेक्ट रिलीजियस टीचर दे आर नोन एज तीर्थांकरास देन जिना वन हु हैज गेन्ड ट्रू नॉलेज एंड हैज लर्न टू कंट्रोल वन्स इमोशंस ओके इन जैनिज्म वन हु हैज गेन्ड द ट्रू नॉलेज अबाउट द लाइफ एंड डेथ एंड हैज लर्न टू कंट्रोल द इमोशंस दैट इज नोन एज जिना नेक्स्ट इज पिनेंस एन एक्ट शोइंग सॉरो और रिग्रेट फॉर अ सिन ओके कि अगर कोई आपने अपराध कर दिया है तो उसके बाद में जो आप उसके ऊपर पश्चाताप करते हो है ना आप उसके ऊपर दुख व्यक्त करते हो दैट एक्ट इज नोन एज पिनेंस एक्ट इज शोइंग सॉरो और रिग्रेट फॉर अ सिन ओके दीज आर दी की वर्ड्स दीज आर दी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज आर डीप मीनिंग्स बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअलिटी सो स्पिरिचुअल मीनिंग इज देयर सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली इट विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू इन योर लाइफ ओके व्हेन यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी थैंक यू हैव अ नाइस डे